घुमा के बाद यकीन का सफर। वाह यार जुबिया, तुम तो बड़ी चुपरस्तम निकली। हमें तो छोटा मोटा कनीज का रोल भी नहीं मिला और तुम तो अनारकली बन गई। वैसे इसकी एक्टिंग तो बस ठीक ही थी, आई मीन इतनी कोई खास भी नहीं थी। मुझे लगता है मैम फरजाना ने इसको इसकी खूबसूरती की वजह से सिलेक्ट कर लिया। अब वो प्यारी है तो तुम जलस क्यों हो रही हो? और वैसे भी जुबिया ने एक्टिंग बहुत ही अच्छी की थी, बिल्कुल रियल लग रही थी। हाँ यार, वैसे ये बताओ ग्लिसरीन के बाहर तुम्हें इतना रोना कैसे आया? पता नहीं यार, जब मैंने लाइंस पढ़ी ना तो मुझे अम्मी की याद आ गई और मेरा दिल इतना उदास हो गया, मुझे रोना ही आ गया सचमुच का। इतनी रोमांटिक लाइंस याद करते हुए तुम्हें शहजादा सलीम की नहीं बल्कि अपनी अम्मी की याद आ रही थी? हाँ हाँ, आप तुम चाहो तो मजाक उड़ा सकती हो मेरा। माशाल्लाह से बिनते हवा फाउंडेशन पंजाब और सिंध के दही इलाकों में तो हम बहुत काम कर रहे हैं। अब हम चाह रहे हैं कि आप लोगों जैसे यू नो लाइक नौजवान पैशन बुकला अगर हमारी सपोर्ट करें तो फिर हम कबायली इलाकों की तरफ भी जा सकते हैं। जब भी आपको हमारी मदद की जरूरत हो मैं आपके लिए हाजिर हूँ। सीरियसली दैट वुड बी रियली रियली अप्रिशिएटेड। आपको पता है यहाँ पे औरतों को उनके हकूक का कुछ पता ही नहीं है। आपके बार एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट हैं वो तो आते रहते हैं और हाँ मैंने सुना था उनके दो चक्कर लगे थे, फ्री एडवाइस देते हैं। सो यू नो मैं तो साल में कम से कम एक या दो प्रोग्राम की जरूरत दिया करूँगा। तो अगेन यू हैव माय सेल फोन, जब भी आपको जरूरत हो या मदद हो आप प्लीज मुझे कॉल। बिल्कुल, दैट विल बी फैंटास्टिक। देखिए इस इलेक्शन में अगर हमारी हुकूमत बन गई तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि रेप की सज़ा सिर्फ और सिर्फ फांसी मुकर्रर की जाएगी। ये जो मौजूदा हुकूमत ने इस मुल्क में ख़वातीन के हकूक पामाल कर रखे हैं ना, मैं वादा करता हूँ आपसे हमारी हुकूमत बन गई हम उनको भरपूर तहफ़ देंगे, इज्जत देंगे और बराबरी के हकूक दिलवाएंगे। थैंक यू वेरी मच। मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाह रही थी, ये बैरिस्टर उस्मान अली खान के साहबजादे हैं और लंदन से प्रैक्टिस खत्म करके आए हैं। उस्मान अली के बेटे, एक्सीलेंट, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। भाई उस्मान अली का क्या हाल है? आप बाबा को जानते हैं? भाई हम एचएसएन में इकट्ठे थे, एक ही बैच के थे। तो कैसा लगा पाकिस्तान वापस आके? अपने मुल्क वापस आकर बुरा किसको लग सकता है, बस ये जो करप्शन और झूठ देखकर काफी। तो हाँ ये अलमिया तो है हमारे मुल्क में, इसी के खिलाफ तो हम जद्दोजहद कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि तुम जैसे नौजवान हमारे हाथ मजबूत करें। थैंक यू सर, थैंक यू सर। मैं बाबा को जरूर कहूंगा कि आप, मैं आपसे मिला हूं। मेरा सलाम भी देना उनको। थैंक यू, प्लेजर मीटिंग यू। प्लेजर मीटिंग यू टू। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह। ये देखिए मामा ये मोमेंट, और उसकी की शक्ल देखिए कैसी बना लेता है हर वक्त। मामा देख रही हैं अपने अस्फंदियार के कारनामे, आप गिफ्ट्स भेजे मुझे इसने। क्यूट। वो तो सुबह से मुझसे फोन पे लगा हुआ है कि भाभी की बर्थडे मत भूलिएगा। मैंने कहा मैं कैसे भूल सकती हूँ गीति की बर्थडे, ये क्या बात हुई? क्यूट। फोन आया, मैं देखती हूँ। अस्फिका को हेलो। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Bobby, happy birthday to you. Thank you so much. कैसे हैं आप? और thank you for the gifts by the way. और उनका गिफ्ट उन्होंने क्या दिया? अभी तक तो कुछ भी नहीं दिया। और डोंट टेल मी वकील साहब ने आपको विश भी नहीं किया होगा। आई एम श्योर वो मोहतरम आपकी बर्थडे भूले बैठे। जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। लगी शर्त 10-10,000 रुपए की। ठीक है, लग गई शर्त। भाभी आप मेरे पैसे तैयार रखें क्योंकि शर्त मैं जीतने वाला हूँ। लिसन, ये लगाई बुझाई वाली आंटी का किरदार ना ही करो तो बेहतर। प्यारी भाभी मैं अपने भाई की रग रग से वाकिफ हूँ और वो आपकी बर्थडे भूलकर गुम है अपने किसी केस में। सुने आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान देंगे ना तो बहुत अच्छा होगा। ओके, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सो मच। अपना बहुत ख्याल रखना। हाँ ताफिस। ताफिस। मामा ये कितना क्यूट है, ये रौनक है हमारे घर की ना।
अदी अदी उठो अदी, ये लो। स्कूल नहीं गए तुम अभी तक? तुम पूरी तरह ठीक हो जाओ फिर जाने लगूंगा स्कूल। ऐसे नहीं करते, तुम्हारी पढ़ाई का हर जोर है। शाबाश स्कूल जाओ। अस्पताल से आए हुए तुम्हें 3 दिन हो गए, ना बोलती हो ना कुछ खाती हो, सारा दिन इसी तरह चुपचाप बैठी रहती हो। सारी मेरी गलती है, अगर मैं उस दिन तुम्हें स्कूल छोड़ने और लेने आ जाता तो ये सब ना होता। नहीं जी जान, मैं खा भी रही हूँ पी भी रही हूँ, देखो मैं ठीक हूँ। मेरे साथ भी उतना उस दिन तो मेरे साथ यही होना था। मैं उसको नहीं छोड़ूंगा अभी। बिलाल चलो बाहर, बाबा बुला रहे हैं। और तुम उठो, आज डॉक्टर नी ने टाइम दिया है, तैयार हो जाओ। और सुनो, बच्चों के सामने ये रोना धोना बंद कर दो। उठो। नूरी के अब्बा अस्पताल जा रहे हैं, डॉक्टर नी ने बुलाया है। आ जाओ नूरी, देर हो रही है। बाबा बाबा साईं, तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो? मैं तुम्हारी नूरी हूं, बात करो। सलाम खाला। वालेकुम सलाम बेटा। सलाम अलैकुम खाला। सलाम अलैकुम आरफा। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो? आरफा क्या रास्ते में खड़ी हो गई बातें करने के लिए? तेरे अब्बा को पसंद नहीं है, चला आ भी जा। नूरी क्या जरूरत थी तुझे नूरी से बातें करने की? हाँ ये तो अपना मुंह काला करवा कर आ गई, तू इससे दूरी रह कर, कोई जरूरत नहीं है इससे दोस्ती रखने की, समझ गई? हाजुर 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 बाबा साईं, हाजुर हाजुर हाजुर। सर ले आओ लड़की के बाप को, लतीफ नाम है इसका, साइकिलों की दुकान पे काम करता है। बाबा साईं मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। हाँ बाबा लतीफ, क्या हुआ तेरी छोकरी का? सुना है किसी छोकरे वोकरे के साथ निकल गई है। मेरी नूरी ऐसी नहीं है साहब। वो पूरा गांव यही कह रहा है, यही बातें हो रही है इस गांव में। बड़ा सच धज के घूमती थी, अरे मटक मटक के उस्तानी बन के चलती थी गोट में, हो गया होगा किसी के साथ चक्कर, रख ली होगी किसी के साथ यारी। अपने जबान संभाल के बात करे साहब। साहब से ऐसी बात मत करो। ए, हमें आंखें ना दिखा, अपनी छोकरी को संभाल। ओए जहांगीर साईं के पास कोई कमी है जो तुझ जैसे कमजात की बेटी पे नजर रखेगा? ओए काला मुंह कहीं और बाहर करके आई होगी अब इल्जाम साईं के बेटे पे। मैं तुझे पहली और आखिरी नसीहत कर रहा हूं, साईं का नाम इस चक्कर से दूरी रख।
वरना मैं तुझे इस गांव में तो रहने नहीं दूंगा। तेरा और तेरे खानदान का वो असर करूंगा कि किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा। चल अब निकल। चल लतीफ, पता चला लड़की का कुछ कहाँ गई है? हाँ चल छोड़ यार, बेगैरत लोग हैं, औरत की कमाई खाते हैं, तो फिर यही होगा। बिल्कुल सही कहता है। मटक मटक के मटानी मटक के अस्तानी होट में हो गया होगा किसी के साथ चक्कर, रख ली होगी किसी के साथ जान। चला जा, तू भी आकर रोटी खा ले। सब मुझसे ऐसा सलूक कर रहे हैं जैसे मैं कोई अछूत हूँ। मेरी ससुराल वालों ने मंगनी तोड़ दी, आरफा ने मुझसे रुककर बात तक नहीं की। जुल्म मुझ पर टूटा है और बुरा भी सब मुझे कह रहे हैं, और वो जालिम, वो अभी तक आजाद दंदनाता फिर रहा है, उसे कोई कुछ क्यों नहीं कहता? क्या बक रही है? हाँ अम्मा, डॉक्टर नहीं सही कहती है, मुझे चुप नहीं रहना चाहिए। मैं अब चुप नहीं रहूंगी, पढ़ी लिखी हूँ मैं, कमजोर और बुजदिल थोड़ी हूँ। जब मैंने अस्पताल में बयान दिया है तो अभी तक पुलिस वालों ने उन्हें पकड़ा क्यों नहीं? क्योंकि वो वडेरे का बेटा है, पैसे वाला है, ताकतवर है, कोई कुछ करे ना करे मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। मैं कहती हूँ चुप हो जाओ, क्यों अभी जलील करवाना चाहती हो? अम्मा मैं शर्म और गैरत के नाम पर क्यों चुप हो जाऊं? मैं उन तीनों को कभी माफ नहीं कर सकती, मैं उन्हें फांसी की सजा दिलवाऊंगी। क्या करेगी, क्या करेगी? वडेरे के बेटे के खिलाफ तू पर्चा कटवाएगी? बाबा मैं, अरे मेरे सर में तूने खाक को डाल दी, अब क्या चाहती हो तुम? बस कर, गुस्सा मत करो, समझा दूंगी मैं इसे। ये तो डॉक्टरानी के कहने पे लगी है। मैं किसी डॉक्टरानी के कहने पर कुछ नहीं कर रही, एफए पास हूँ मैं अब्बा साहब, मुझे मेरे हकूक का पता है। मैं उस कमीने जहांगीर शाह को कुत्ते की मौत दिलवाऊंगी। मेरी इज्जत खाक में मिला दी और तू क्या चाहती है? अरे तुम मरने से पहले मर क्यों नहीं गई? मैं तुझे जिंदा नहीं छोडूंगा, मैं तुझे जिंदा नहीं छोडूंगा, मैं तुझे जिंदा नहीं छोडूंगा।
मामा आपने कितना एहतमाम कर दिया, वैसे इसकी क्या जरूरत थी, मैं कोई बच्ची हूँ क्या? अरे भाई तुम्हारी बर्थडे है तो मैं क्यों नहीं करती, और मुझे तो पार्टीज ऑर्गेनाइज करने में बहुत मजा आता है। मामा ओवर तो नहीं लग रही ना मैं, सही है ना कपड़े? बिल्कुल नहीं, इतना अच्छा कलर है, और अभी नहीं पहनोगी ये रंग तो क्या मेरी उम्र में पहनोगी? अच्छा दानियाल कहाँ रह गए जी? अभी तक तो नहीं आया मामा। क्यों, तुम उसको जरा टाइट नहीं रखती ना, उसको याद भी है तुम्हारी बर्थडे है या नहीं? चलो जाओ उसको फोन करो और फौरन यहाँ बुलवा, जाओ। अच्छा मैं करती हूँ कॉल। सलामुअलैकुम। अरे भाई आज बाहर बड़ा अरेंजमेंट हुआ हुआ है, सब ठीक तो है? वालेकुम सलाम, गीती की सालगिरह है ऑब्वियसली, अरेंजमेंट्स तो होंगे। सलामुअलैकुम आजान। वालेकुम सलाम बेटा, हैप्पी बर्थडे, आई डिडंट नो जियो हजारों साल। थैंक यू। क्या हुआ भाई? मामा फोन नहीं उठा रहे दानियाल। ये देखें आप, आज सालगिरह है गीती की, हमारे घर में पहली सालगिरह है इसकी, और इसको देखें अभी तक गायब। अभी तक नहीं आया? आप शायद मामू जान हो सकता है ड्राइव कर रहे हो मामा, और फोन साइड पे पड़ा हो तो ना उठाया हो, रस्ते में वो आ रहे होंगे। भाई ये क्या बात हुई, एक ही तो दिन है साल का, अब जाओ मेरा फोन लाओ, मैं अपने फोन से उसको फोन लगाऊंगी, जाओ। चलिए ठीक है, आप अपने फोन से ट्राई कर ले, क्या पता आपका फोन ड्राइव करते हुए उठा ले। हम तुम्हारी मंगनी की अंगूठी और सामान वापस देने आए हैं, आप हमारा सामान हमें वापस लौटा दें। ऐसा मत करो, ये रिश्ता मत तोड़ो, मैं आपको हाथ जोड़ता हूँ, मिन्नत करता हूँ। मेरी नूरी बेकसूर है। नूरी कसूरवार है या बेकसूर, इससे हमें कोई सरोकार नहीं। लतीफ तुम्हारी लड़की मेरे लड़के के काबिल नहीं रही। मेरी इज्जत खाक में मिला दी, मेरे सर में तूने खाक को डाल दी। तू मरने से पहले मर, मेरी इज्जत मेरी इज्जत। कोर्ट से वो कॉन्ट्रैक्ट्स लेने, हमने सदर वाला बंदा ईमेल, तैयारी है मुकम्मल, डन डन डन, और सब 15 को हेयरिंग हो जाए, हम अपने मुखालिफीन को संभलने का मौका नहीं देंगे। हैं 15 कौन सी दूर है, 10th तो हो गई है आज। आज 10th मार्च है। हाँ क्या हुआ? माय गॉड यार, ये मैंने क्या कर दिया है। क्या हुआ? आज गीती की बर्थडे थी, मेरा फोन कहाँ है? वो शायद तुम कॉन्फ्रेंस हॉल में छोड़ आए हो। चलो जाते भी लेते गए यार, चाबी 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 चाबी, मैं तो मर गया यार। Thank you.
बिजी होंगे आप, कोई बात नहीं। इतना भी बिजी कैसे हो सकता हूँ कि अपनी बीवी के साथ अगर भूल जाऊँ। I'm feeling so bad. मुझे पता है आप किसी भी रोमांटिक नॉवेल के हीरो नहीं हैं। आप अक्सर मेरी बर्थडे भूल जाया करेंगे। पेनल्टी चार्ज होगी। अस्मी ने शर्त लगाई थी कि आप भूल जाएंगे 10,000 रुपए की, और वो आपको पे करने पड़ेंगे। मुझ जैसा दूसरा भी कोई नहीं हो सकता। शादी के पहले साल अपनी बीवी की सालगिरह भूल गया, तुम सोच रही हो 20-25 साल बाद उसमें क्या होगा। 20-25 साल बाद भी यही होना है, आप मेरी बर्थडे भूल जाएंगे और यही मासूम शक्ल बना के मेरे सामने बैठ के मुझसे माफी मांगेंगे और फिर मैं माफ कर दूंगी, है ना। एनीवेज, आपको पता है आज मैंने 2 केक्स काटे, एक मामा ने बेक किया था और एक अस्वी ने कराची से भेजा था मुझे। आप कौन सा खाएंगे? खबरदार, तुम इधर बैठो, मैं जाके ला रहा हूँ। Really? हद होगी यार, I need to do something. दानियार। बताओ क्या हुआ है, चोट लगी है तुम्हें? आओ आओ मेरे साथ आओ। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अच्छा नहीं, मुझे मत ले जाओ। कहीं नहीं लेकर जा रही, आओ यहाँ बैठो। भरोसा करो, मैं मदद करूंगी तुम्हारी। मदद करूंगी तुम्हारी। अदी कहाँ चली गई है? मर गई है तेरी अदी? कहाँ चली गई अदी? तुम क्यों कुछ नहीं करते हो? क्यों नहीं उसे ढूंढते हो? खुदा जाने कहाँ चली गई। अल्लाह ना करे मेरी नूरी को कुछ हो गया तो। अच्छा है उसको कुछ हो गया हो, नसीबों चली। ऐसे नहीं बोलो, नहीं बोलो ऐसा। बिलाल बेटा, बहन का कुछ पता चला? अरे अब ये किस्सा खत्म करो। नहीं बोलो ऐसे। दी हमारी थी, अब वो हमारे लिए मर गई है। अगर वो यहां रहती ना, तो गांव वाले उसे जीने नहीं देते। पत्थर दिल है तेरा, पत्थर दिल है तू? हाँ मेरा पत्थर दिल है। अरे आगे ये 3 और भी हैं। अगर वो जीती यहाँ रहती ना, उसके साथ हम सब मर जाते। अच्छा हुआ वो चली गई। अगर कोई तुमसे पूछे ना, तो तुम ये कह देना कि तेरी बहन आई थी, उसके साथ चली गई और वहाँ ही मर गई। देवे, मुझे समझ नहीं आता ये इतनी बेजोड़ शादी हो कैसे गई। हाँ दरअसल अम्मी, हमारी अम्मी मरहुमा की ख्वाहिश थी कि उनकी बेटियों की शादियां अमीर घरानों में हो। वो समझती थी कि अमीर घरानों में लड़कियां राज करती हैं, खुशियां लेंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। देखो ना, अमीर घराने में शादी हुई थी ना मेरी माह तलत की, और क्या हो गया। लेकिन बेबे, इतनी खूबसूरत बीवी होने के बावजूद
लालू का रवैया ऐसा क्यों था? हाँ, वो उसकी खूबसूरती और नौमरी उसकी मौत बन गई बेटा। अगर औरत हसीन और खूबसूरत हो तो मर्द को एहसास कमतरी होने लगता है, पर ऐसे ही हुआ। उस पे उन्होंने इतनी पाबंदियां लगा दी, ना वो बाहर जा सकती थी, वो कुछ भी नहीं कर सकती थी, वो तो हमसे मिलने भी नहीं आ सकती थी बेटा। बस यही दुख उसको ले गया। हर वक्त उसे झगड़ते थे, हर वक्त मारते पीटते रहते थे उसको, और एक दिन वो चली गई इसी तरह। तुम्हें पता मुझे अपनी जुबिया की फिक्र है, तरी के साल में होगी वो। नमाज का वक्त हो रहा है, क्या खुराफा चल रही है घर में? अस्सलाम वालेकुम अब्बा। तू यहाँ क्या कर रही है लड़की? और ये क्या वाहिया चीज देख रही है? वो भाभी ने भेजा था ऊपर, और हम अकेला था ना, किचन में काम कर रही थी, टीवी तो पहले से ही ऑन था। और तू बैठ गई ये नाच गाना देखने? अरे अगर ऐसी बेहयाई और बेशर्मी की चीज घर पर रखना होती तो रख नहीं लेता मैं। तुझे इन खुराफात से बचाना चाहता हूँ, इसलिए घर पर टीवी नहीं रखा। बहू जहेज में लाई है, इसलिए उसके कमरे में मैं रोक टोक तो कर नहीं सकता, लेकिन अपनी बेटी को तो रोक सकता हूँ बेहया और बेशर्मी के कामों से। बंद कर इसे, गुनाह है ये गुनाह। अस्तग़फिरुल्लाह। अरे तेरी समझ में नहीं आई क्या? बंद कर इसे। चल नहीं रहा रिमोट अबे। अरे बंद कर, आइंदा ना देखो। चलो exactly, and जब वो लोग क्ले के साथ काम कर रहे थे ना, तो आई वॉज लाइक वाओ। मुझे क्ले बहुत सूपिया, तुम रिहर्सल्स के लिए नहीं गई अभी तक? मैम ने ड्रामा में हिस्सा लेने वाली सब लड़कियों को थर्ड और फोर्थ पीरियड में बुलाया था, भूल गई क्या? नहीं यार, याद है, लेकिन मैं सोच रही हूँ मैम को मना कर दूँ। क्यों, ऐसा क्यों कह रही हो? बस मुझे लगता है मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर सकती एक्टिंग वैक्टिंग। क्या घर से परमिशन नहीं मिल रही है? नहीं नहीं, परमिशन की तो कोई बात ही नहीं है, मेरे अभी बहुत अच्छे हैं, मेरी हर बात मानते हैं, मुझसे बहुत प्यार करते हैं। तो फिर एक्चुअली यार रिसेंटली मेरी अम्मी की डेथ हुई है, तो अम्मी की डेथ के बाद से अभी बहुत अपसेट रहते हैं। मुझे लगता है ऐसे वक्त में मैं उनसे अपने किसी भी ड्रेस की फरमाइश करूंगी तो अच्छा नहीं लगेगा ना। क्या सिर्फ ड्रेस का मसला है? यार अगर सिर्फ ड्रेस का मसला है तो मेरे पास ड्रेस है, मैं अरेंज कर लूंगी, तुम परेशान नहीं। बस यही प्रॉब्लम थी, कोई और बात तो नहीं है ना? नहीं। ठीक है तो फिर चलो रिहर्सल्स के लिए, इंतजार क्यों कर रही हो? हेलो, क्या मेरा भेजा फ्राई किया आपने बॉस? क्या मतलब? बस अभी आपकी ये लंबी चौड़ी और इंतहाई बोरिंग ईमेल पढ़कर बैठा हूँ। ओह ये बात है। असफी मुझे लग रहा है कि तुम आजकल पढ़ाई को बहुत लाइटली लेने लगे हो, तुम्हें बहुत मेहनत से और दिल लगाकर पढ़ना होगा। बाबा हम दोनों भाइयों को बहुत कामयाब देखना चाहते हैं। हाँ तो इसमें मैंने गलत क्या लिखा है? कुछ गलत नहीं लिखा। ये जरूर हुआ कि आपके इस लव लेटर ने मुझे स्कूल का जमाना याद करवा दिया। वो उर्दू के पेपर के लिए हम खत याद करते थे ना, अपने छोटे भाई को खत लिखें जिसमें उससे मेहनत से और दिल लगा के पढ़ने की नसीहत की गई।
इतना बेतुकब होते हो तुम असली। यकीन करें वकील साहब, आपको और मुझे स्कूल पास किए कई साल हो चुके हैं, और परसों मैं बेचारा दोस्तों के साथ क्या कॉन्सर्ट पर चला गया, और आपने किसी सीआईडी ऑफिसर की तरह एम दौरान कॉन्सर्ट में क्या टेलीफोन एक छापा मारा। आपको लगने लगा कि शायद मैं रोजाना दोस्तों के साथ कॉन्सर्ट्स पर या पार्टीज में चिल कर रहा होता हूँ। जब मैं 36 घंटे हॉस्पिटल की ड्यूटी दे रहा होता हूँ तब कभी कॉल ना की। जब मैं रातों जाग जाकर पढ़ाइयाँ कर रहा होता हूँ तब फोन करना याद ना आया। याद आया तो उस वक्त जब ये मासूम और बेचारा आपका भाई हॉस्पिटल की ड्यूटी देकर खुद को जरा रिलैक्स करने के लिए दोस्तों के साथ कॉन्सर्ट पर चला गया, और आपने आओ देखना था मुझे ये लंबी चौड़ी ईमेल दे मारी। मुझे तुम पर बिल्कुल तरस नहीं आ रहा, ना ही हमदर्दी हो रही है। यही बोलते मेहनत करने का असर, मैं तुम्हें खुद से बहुत आगे और बहुत सक्सेसफुल देखना चाहता हूँ। फकत तुम्हारा भाई, अलिफ पे जीम, कमरा इम्तिहान, इस्लामाबाद। तुम सुधरोगे नहीं यार। अगर मैं शहजादा सलीम होती ना तो तुम्हें उड़ा के ले जाती। प्लीज यार, मैं भी यही करती। जस्ट एनीवेज, तुम बहुत प्यारी लग रही हो, और अब चलते हैं। चलो चलो चलो, चलो मैंने कहा ना सारा दो दिन में डांस तुम ले लो, ठीक है? हाय, मुझे नहीं लगता कि असल अनार के लिए आपसे ज्यादा खूबसूरत होगी। मैं रमीज नासिर, आपकी जो जज है मिस फाखरा, उनका फर्स्ट कजन। तुमने नेल पॉलिश कब लगाई है? वो मिसबा ने जबरदस्ती लगा दी शॉप शॉप में, मैं मना भी कर रही थी। अब इसको शौक ही शौक में ना मिटा भी देना, वरना रात में भी आएंगे और शौक ही शौक में आपको बेइज्जत भी कर देंगे। अभी तो क्या, रेहान को भी नेल पॉलिश नहीं पसंद, कहते हैं बेहया और फहाश औरतों का काम है। जी, खाना खाते साथ ही मिटा दूंगी। जनाब जनाब जी भाई, और सुनाइए कैसे आना हुआ आप लोगों का? बस खलील भाई, आपकी दुआओं से नजमा की शादी की तारीख तय कर दी है। इंशाल्लाह 29 तारीख को बारात है उसकी। शादी वलीमे के कार्ड से लेकर आया था, वलीमा 30 को है। खलील भाई आपको आना है, आपको जरूर आना है।
जरूर आऊंगा, पहले ये तो बताइए कि नजमा बेटी की शादी कहाँ कर रहे हैं आप लोग? भाई हमने तो ये सुना था कि नजमा का अपने दफ्तर में काम करने वाले किसी लौंडे के साथ चक्कर वक्कर चल रहा है। घुमा के बाद यकीन का सफर।